विश्वमान्य इंग्लिश भाषा हो सुनती तुम फरियाद नहीं, तोते की तरह मैं रटता हूँ लेकिन होती तुम याद नहीं। यदि अर्थ याद हो जाता है तो स्पेलिंग याद नहीं होती, अनुवाद अगर पूछा जाए तो मन में उथल पुथल होती। अंग्रेज गए पर तुम अब भी यहाँ अकड़ अकड़ कर चलती हो, और भारत माता की छाती पर मूंग बराबर दलती हो। अरे हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मैं तुमसे पिंड छुड़ाने को, आतुर हूँ अपने जीवन में मैं तुमसे छुट्टी पाने को। जिस दिन भारत की धरती से तेरे जाने का शुभ समाचार सुन पाऊंगा, सच पूछो गोरों की माँ मैं घी के दीप जलाऊंगा, मैं तभी दिवाली मनाऊंगा। गाय तो मैंने ये क्यों सुनाई इसके आगे, अरे बेवकूफो जिस दिन मैंने दो बार ये कविता मैम ने कह के सुनवा दी और मेरी लंका लग गई, रात को 2 बजे अंग्रेजी सपने में आ गई, बंदूक मेरे सीने पे तान दी और बोला क्या, अरे जिस दिन मैंने आपको कविता सुनाई थी उसी रात सपने में इंग्लिश दिखाई दी, और मुझसे वो तनकर के कुछ ऐसे ही बोली, अरे क्यों तूने उस दिन मेरे सीने पे मारी गोली, मैंने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा इतना किया कबाड़ा था। तो ये कविता है जो चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो फिर इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, सुबह से ही मेरे शरीर का बायां अंग फड़कता था। जितना कुछ मैंने याद किया कुछ यादों में बर्बाद हुआ, कुछ स्कूल जाने की जल्दी थी, जितना कुछ मैंने याद किया उसमें से आधा याद हुआ, कुछ स्कूल जाने की जल्दी थी कुछ यादों में बर्बाद हुआ। जो सीट दिखी मुझको खाली उस पर ही डटकर जा बैठा था, एक निरीक्षक कमरे में आया चिल्लाया और ऐठा, अरे अरे तेरा ध्यान किधर क्यों करके आया, देरी है चल उठ जा जल्दी और कहीं, ये कुर्सी तो मेरी है। जब पेपर को देखा तो सारा बदन पसीना था, लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं क्योंकि ये मेरा सीना था। बचपन में क्या है, पेपर लोग कलेक्ट करते थे, कलर कलेक्ट करते थे, आज रेड आज येलो आज वाइट कुछ ऐसा था। चलो फिर पेपर जो आता है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लो। अकबर का बेटा था बाबर जो वायुयान से आया था, उसने ही हिंद महासागर अमेरिका से मंगाया था। गौतम सबको झांसा दे जाती थी ऐसी झांसी की रानी, अक्सर अशोक के होटल में खाया करती थी बिरयानी। गौतम बुद्ध नेहरू सुभाष सब गांधी जी के चेले थे, मिलकर सब बचपन में अक्सर आंख मिचोली खेले थे। इस तरह करके मैंने सब प्रश्नों के पापड़ बेल दिए और उत्तर के ऊंचे पहाड़ टीचर की ओर धकेल दिए। टीचर क्या बेचारे इतनी ऊंचाई चढ़ पाते, और लाचार पुराने चश्मे से इतिहास नया क्या पढ़ पाते। काम के बिना मेरा कोई काम नहीं होता, राम से मुझे कहीं आराम नहीं होता, राम के नाम पर कुर्बान है ये जिंदगी, क्योंकि राम के बिना मेरा जग में नाम नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।